Dear students, welcome in the lecture series on chemical bonding. And this is part 3, where we will discuss about the valence bond theory that was extended by Pauling and Slater. Okay, in the previous study, we had discussed about the valence bond theory given by Hitler and London. सो बच्चों आपका स्वागत है इस लेक्चर सीरीज में जहां पर हम केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट 3 को पढ़ेंगे और यहां हम पढ़ रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. स्पेशली यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पॉलिंग एंड स्लेटर्स थ्योरी जो कि हिटलर एंड लंदन ने प्रपोज की थी और उसको एक्सटेंड किया पॉलिंग एंड स्लेटर ने और उसके जो पोस्टुलेट होंगे उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ये जो थ्योरी पॉलिंग एंड स्लेटर ने दी थी वो 1931 में उन्होंने बताई थी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के डिफरेंट पोस्टुलेट्स उन्होंने बताए कि किस तरीके से दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. इस थ्योरी का जो पहला पोस्टुलेट है वो क्या है कि ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स. इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो ओवरलैपिंग होती है वो किनके बीच में होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में. फॉर एग्जांपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से, देखिए एस, तो एस और एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं या पी और पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं, पी एक्स पी एक्स ए पी जेड पी जेड. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज पी जेड तो पी जेड ओवरलैप कर सकता है. ओके पी और एक्स ओवरलैपिंग इस तरीके से आप देखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स. मान लीजिए ये पी जेड है ये एस है तो एस और पी जेड ओवरलैपिंग कर सकते हैं, एस और एस ओवरलैपिंग कर सकते हैं. तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो ओवरलैपिंग बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है. तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं. यही एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस तरीके से भी ओवरलैप कर सकते हैं. तो इस तरीके की जो ओवरलैपिंग है उसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. अब देखिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, अब देखिए कंडीशन क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे दे शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो किस तरीके से, देखिए इस तरीके से एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, तो इस एटॉमिक ऑर्बिटल के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. और ये इलेक्ट्रॉन आपने देखा होगा जब ये ओवरलैपिंग हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आ जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग होती है. तो क्या होगा जब इस ऑर्बिटल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में क्या होगी, पेयरिंग, जो ओवरलैपिंग होगी. नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शुड हैव अपोजिट स्पिन. अब एक और जो नियम जो रूल है उसके लिए क्या है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसी नहीं हो सकती, ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है. ये ओवरलैपिंग तब पॉसिबल होगी जब दो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कैसी होगी, अपोजिट होगी, तो तभी क्या होगी इन ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी. तो पहले आपने देखा कि नंबर वन बात ये हमने कही कि ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, वही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं जिन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जिनकी स्पिन कैसी होगी, अपोजिट होगी. और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग. तो कहीं पर अगर एक एटम के पास एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी केवल वही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में जो कि अनपेयर्ड होंगे. तो ये पोस्टुलेट किसका है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का. Now a very important postulate, the overlapping
ऑर्बिटल्स शुड हैव द सेम सिमेट्री। तो जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं, जो ओवरलैप करने वाले हैं, उनकी सिमेट्री एक सी होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको दिखाया था कि जब एस और एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं, देखिए आसानी से, ये पी और एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं, या ये पी और पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक तो ये है, मान लीजिए पी वाई ऑर्बिटल, ओके, पी वाई ऑर्बिटल की अगर मैं चाहूं कि ओवरलैपिंग एस ऑर्बिटल के साथ करे, तो ये नहीं करेगा, क्योंकि ये जो एस ऑर्बिटल है, इसकी ओवरलैपिंग के लिए क्या पोजीशन है, नोडल प्लेन है पी ऑर्बिटल का, तो इस तरीके की ओवरलैपिंग नहीं होगी, या इस तरीके की ओवरलैपिंग नहीं होगी कि दो ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जैसे ये अगर पी वाई है और ये पी जेड हो, तो इस तरीके की ओवरलैपिंग भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं ये जो ऑर्बिटल है ये इस ऑर्बिटल के नोडल प्लेन में है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है। तो आप ये देखेंगे इस तरीके का ओवरलैप नहीं पॉसिबल है, इस तरीके का ओवरलैप भी पॉसिबल नहीं है, बट इस तरीके के ओवरलैप पॉसिबल है, और ये ओवरलैप पॉसिबल है क्योंकि इनकी सिमेट्री क्या कर रही है, मैच कर रही है एक दूसरे को। नेक्स्ट पोस्टुलेट है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, व्हेन दे ओवरलैप दे रिटेन देयर आइडेंटिटी। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया, इसने ओवरलैप किया, दोनों की आइडेंटिटी वही रही, ठीक है। पी ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया, पी ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया, तो वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे शेप उनके पहले थे, ये कहने का मतलब है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ये रिटेन करते हैं अपनी आइडेंटिटी को, ऐसे ही इंडिविजुअलिटी बनाए रखते हैं और वैसे ही रहते हैं जैसे वो ओवरलैप से पहले होते हैं, ओके। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, द बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर डिपेंड करता है, कितना ओवरलैपिंग हो रही है उस पर डिपेंड करेगा, ओके। तो जैसे एस और एस जो ओवरलैपिंग होती है उसमें आप देखेंगे, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्फेरिकली क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, स्फेरिकल उनकी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो हम ये बता दें कि जितना अधिक ओवरलैप होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब है जितनी ज्यादा बॉन्डिंग जो ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ओके। तो अगर हम एस और एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को देखें तो यहां पर जो ओवरलैपिंग होती है वो वीक होती है, ओके, और क्योंकि इनका क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल होता है। वहीं अगर हम जो ओवरलैपिंग देखें एस और पी के बीच में, तो यहां पर जो ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि वो एस तो स्फेरिकली है बट पी के केस में ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस ओर ही अधिक होती है, तो यहां पर जो ओवरलैपिंग होती है वो इस ओवरलैपिंग से, जो एस एस ओवरलैपिंग होती है उससे स्ट्रांग होती है, और इससे भी जो ओवरलैपिंग स्ट्रांग होती है वो होती है पी ऑर्बिटल्स की, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर अधिक है और स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का, तो सबसे अधिक जो ओवरलैपिंग स्ट्रांग है वो पीपी की है, देन एसपी की है, देन एसएस की है। तो जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो सबसे ज्यादा पीपी में है, देन एसपी में है, देन एसएस में है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कहां पर ज्यादा होगी, जहां पर पीपी ओवरलैपिंग होगी, उसके बाद किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, एसपी की, उसके बाद किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, जहां पर एसएस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे होंगे। नेक्स्ट पोस्टुलेट है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में इंक्रीज होती है जब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब, ओके। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस बिटवीन द ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, यहीं पर तो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है। कहां पर अधिक होती है, ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होती है, जिससे ये दोनों न्यूक्लियस को आसानी से बांधे रखता है। सो द बॉन्ड विल बिकम स्ट्रांग
एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई इन बिटवीन दीज टू न्यूक्लियस, तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होने से क्या होगा, ये दो न्यूक्लियस को बांधे रखेगा. ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट इज दैट कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर. तो कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का है, क्यों है, क्योंकि जब कोवेलेंट फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं तो चलिए s ऑर्बिटल को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है दीज आर नॉट डायरेक्शनल, बट इन केस ऑफ p ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि p ऑर्बिटल का नाम है, जैसे हमने इसे कहा pz ऑर्बिटल, यानी यहां पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो z एक्सिस में हो रहा है. ओके, तो इसी तरीके से हम जानते हैं कि जो p ऑर्बिटल होते हैं वो px होता है और वो py होता है. तो ये क्योंकि जो ऑर्बिटल्स का नेचर है वो डायरेक्शनल है, इसलिए जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो भी क्या होता है, डायरेक्शनल होता है नेचर में. ओके, अब जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो ये बताता है कि जो एनर्जी है वो रिलीज होती है जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. तो कहने का मतलब यह है कि जब एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो इस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, जैसे एच और एच एक दूसरे के साथ रिएक्ट करे, इनके ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे 1s 1s, देन दे विल फॉर्म H2 मॉलिक्यूल. तो जब ये H2 मॉलिक्यूल बनेगा तो कुछ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होती है. ये एनर्जी रिलीज हुई, तो ये जो रिलीज हो रही है एनर्जी, इसको हम देखेंगे ये कहां पर यूज होती है. बट अभी आपको ये देखना है कि जब भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी. Now the next postulate is that depending upon the type of overlapping, two types of bonds can be formed, that are sigma and pi bonds. तो according to valence bond theory, जब atomic orbital combine करते हैं तो वो किस तरीके से combine कर रहे हैं, उस पर depend करती है कि किस तरीके की bonding होगी, sigma होगी या pi होगी. For example, देखिए ये आप देख सकते हैं कि अगर इस तरीके की overlapping है या इस तरीके की overlapping है, s और p orbital overlap कर रहे हैं या फिर इस तरीके की overlapping है, तो आप देख सकते हैं ये जो overlapping है इसको हम कहते हैं head on overlapping. ये क्या है, head on overlapping है. तो head on overlapping है तो ये जो overlapping है ये मजबूत होती है. ओके, जैसे हम अपने हाथ को एक दूसरे में फंसा लें उंगलियों को, और उसको अगर हम बॉन्डिंग कहें तो सामने जो जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, हेड ऑन बॉन्डिंग, और इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड. दूसरे तरीके की हम बॉन्डिंग जो देखेंगे वो कुछ इस तरीके की बॉन्डिंग होती है, देखिए इस तरीके की बॉन्डिंग. तो ये कैसी बॉन्डिंग है, साइडवेज ओवरलैपिंग. साइडवेज ओवरलैपिंग मीन्स देखिए ये जो साइडवेज ओवरलैपिंग होगी ये उतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी स्ट्रांग हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी. आप अपने दोनों हाथ को साइड में खड़ा कर लीजिए और सोचिए कि ये दोनों बाइंड हो रहे हैं, तो ये जो कहलाएगी, ये जो ओवरलैपिंग होगी होगी साइडवेज ओवरलैपिंग. ओके, तो साइडवेज ओवरलैपिंग अगर आप देख सकते हैं तो ये क्या बनाता है, ये जो कहलाते हैं यहाँ पर जो बनते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं. ओके, और हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो होते हैं सिग्मा बॉन्ड. तो क्योंकि आपने देखा जो हेड ऑन ओवरलैपिंग है ये स्ट्रांग है, इसमें ओवरलैपिंग अधिक होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अधिक होता है, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर साइडवेज ओवरलैपिंग होती है. ओके, तो साइडवेज ओवरलैपिंग होने से ये जो बॉन्ड है ये कमजोर होता है और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, मजबूत होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पोस्टुलेट वेयर वी विल डिस्कस और फाइंड दैट VBT हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस. तो अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या दिया, कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस. जैसे हमने एक सबसे छोटे मॉलिक्यूल का बनना देखा H2 मॉलिक्यूल का, तो वहां पर आपने देखा कि कुछ कंडीशंस थी, जैसे HA का इलेक्ट्रॉन HA के पास रहे और HB का इलेक्ट्रॉन HB के पास रहे, या ऐसा भी हो सकता है कि HA के पास 2 वाला इलेक्ट्रॉन आ जाए
और एच वी के पास वन वाला इलेक्ट्रॉन आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एच वी के पास चले जाएं, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर पॉजिटिव, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, एच वी के पास। या फिर हम कह सकते हैं कि एच ए के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाए वन एंड टू, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाए, नेगेटिव, और एच वी के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। और इस तरीके से आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है आप देख सकते हैं उसके फॉर्मेशन में भी, आप देखिए ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से शो नहीं कर सकते, बट इसको कुछ सेवरल स्ट्रक्चर से हम शो कर सकते हैं। खास तौर से आप देखेंगे कि एक तो आयनिक स्ट्रक्चर है इसका और एक कोवलेंट स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से जो कंसेप्ट है रेजोनेंस का, वो सबसे पहले किसने दिया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। तो नाउ वी कैन कंक्लूड दिस लेक्चर, जहां पर हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के डिफरेंट पोस्टुलेट्स पढ़े, बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं, और इन पोस्टुलेट्स को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन बहुत टफ नहीं होगा। ओके, तो देखिए बहुत आसान है, एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप होता है, किन के बीच में होता है, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिनकी स्पिन अपोजिट हो, और जिनकी इस जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग में। अगर हम देखें तो ओवरलैपिंग पर डिपेंड करता है कि कैसा उसका क्या होगा, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कैसी होगी। तो अगर ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है, एक्सटेंट ज्यादा है, तो वो स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी। फिर आप देखेंगे जो ओवरलैपिंग है वो किसके बीच में होगी, जिनकी सिमिट्री मैच करेगी, जिनकी सिमिट्री मैच नहीं करेगी वो ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जनरली क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। और एक पोस्टुलेट और मैं आपको बता रही हूं कि ये जो देखिए जो एटम है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहां पर इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस से अफेक्टेड है, और यहां इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी एक न्यूक्लियस से अफेक्टेड है। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दे आर मोनोसेंट्रिक इन नेचर, मोनोसेंटर है यानी एक न्यूक्लियस से अफेक्टेड है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये मोनोसेंट्रिक होते हैं। देन नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है वो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहां पर अधिक होती है, बीच में, जब कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देन आपने देखा कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, क्योंकि ऑर्बिटल्स जो इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में दे आर पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, और आप देख सकते हैं कि इनके साथ डायरेक्शन जुड़ी हुई है। ओके, और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। देन आपने देखा कि जो ओवरलैपिंग है उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का बॉन्ड है, अगर ओवरलैपिंग हेड ऑन होगी तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और अगर पाई जो साइडवेज ओवरलैपिंग हो तो पाई बॉन्ड बनेगा। जनरली जो बॉन्ड पहले बनता है वो है सिग्मा, और सिग्मा के बाद ही कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पाई बॉन्ड वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ओके, देन लास्ट पोस्टुलेट आपने देखा कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसने रेजोनेंस का कंसेप्ट दिया था। ओके, दिस वे यू कैन समराइज दैट व्हेन यू गोइंग थ्रू दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू आंसर डिफरेंट क्वेश्चंस लाइक विच काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप। ओके, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कैसे ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं जब जब कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, या आपको ये पता चलेगा कितने तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, किस तरीके से जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है उस पर डिपेंड करता है जो जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की। ये सब हमें पता लगेगा जब हम इस लेक्चर को पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंस आप देख सकते हैं पॉलिंग एंड सेटर ने कितनी इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स दिए। अगर ये पोस्टुलेट्स हमें आ गए देन नो प्रॉब्लम, आगे हम आसानी से हाइब्रिडाइजेशन एंड वेस्पर थ्योरी इजीली समझ सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी गिवन बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।